चिकन बिरयानी बना लो, ठीक है? डिवाइड हो गया चिकन बिरयानी, पूनम बना रही है एंड मुझे बनाना है डेजर्ट गुलाब जामुन। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एंड ये वाला ब्लॉग कंटिन्यूएशन पार्ट है लास्ट ब्लॉग का। तो आज के ब्लॉग में आपसे शेयर करते हैं रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी एंड गुलाब जामुन। तो रात का डिनर बनाने वाले थे एंड वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इसको स्प्लिट कर दिया हूँ। एंड अभी शेयर करता हूँ इस ब्लॉग में दी रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ डेजर्ट का, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, राइट? तो वो सब कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है? एंड आई बिलीव आप लोगों को पसंद आएगा रेसिपी, एंड इससे आइडिया भी लग जाएगा कि फॉरेन कंट्री में कैसे आपको कुकिंग वगैरह करना पड़ सकता है। सॉल्ट ख़त्म हो गया, सॉल्ट लेने जा रहा हूँ। सुबह से सोच रहा था लेके आना, मगर फाइनली भूल ही गया, याद नहीं था लाने के लिए। नियर बाय टेस्को है जो हमारे घर के पास ही है, उससे ही लेने जा रहा हूँ। 9:15 कुछ हो रहा है, क्योंकि 45 मिनट लाइक 10 o'clock के अंदर क्लोज हो जाएगा, फिर से तो फटाफट चलते हैं। 9:15 का सनलाइट आप देखो। ले लिया सॉल्ट और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। चलो तो चिकन बिरयानी बहुत डिफरेंट वैरायटी से बनाया जाता है, बट जो मुझे पता है उस वे पे आज आपसे शेयर करूँगा। एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी लाइक स्ट्रेट प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ झमेला नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट मैरिनेट के लिए रेडी कर रहा हूँ मसाला के नाम पे, जस्ट आप देख सकते हो वीडियो पे, हल्दी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एंड गर्म मसाला, वही ऐड कर दिया इसमें मैंने। इसमें एक्स्ट्रा कोई बिरयानी मसाला अगर आपके पास रेडीमेड है तो ऐड कर सकते हो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इससे भी काम चल जाता है। बाद में बताऊंगा, मैंने नॉर्मली दूसरा टाइप ऑफ मसाला बनाया था वो, ठीक है? तो मैरिनेशन के लिए बारिस्ता, दिस इज़ फ्राइड अनियन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसको सभी को हम अच्छे से मिक्स करना है अभी। दिस इज़ गोज योर जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद आता है, दिस इज़ ओनली मसाला अबाउट योर बेसिक जो खड़ा मसाला आता है उसको मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है? ज़्यादा कुछ दूसरा नहीं है। एंड इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं एंड मैरिनेशन के लिए कुछ देर रखते हैं। राइस का कोई झमेला नहीं है, आयरलैंड पे बहुत सारे बासमती राइस के वैरायटीज से यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो। थोड़ा अच्छा एरोमेटिक वाला यूज़ करो जिससे आपका बिरयानी का फ्लेवर अच्छा आए। सो दिस वे आई लाइक, मैं पहले चिकन को कुछ हद तक कुक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली 30-40% तक कुक कर ले रहा हूँ, उसके बाद राइस के साथ कुक होगा। तो हमारा राइस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ लाइक 50-60% राइस हो गया है एंड बाकी का चिकन एंड राइस एक साथ लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे राइस को ड्रेन कर ले रहा हूँ मैं एंड उसके बाद राइस के साथ मिलाना है। चिकन को अभी भी थोड़ा पकाना बाकी है,
तो मैं कवर करके कुछ देर के लिए पका रहा था, एंड अभी ये 5-6 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली एक अलग से दूसरे बॉल पे चिकन एंड राइस हमारा एक्स्ट्रा कुक होगा। Horse. तो फाइनली हमारा चिकन बिरयानी आपका रेडी है। बहुत अच्छा बना है, लग रहा है देखने में, एंड टेस्ट करना भी बाकी है आगे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है दिस सिंपल चिकन बिरयानी रेसिपी का वे। एंड अभी हम टेस्ट करते हैं। चिकन वगैरह तो परफेक्टली कुक हो गया है, टेस्ट करके भी देखता हो कैसा लगा है। आई होप अच्छा लगेगा, पहले भी बहुत बार बना चुका हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम अभी हमारा दूसरा रेसिपी दैट इज़ गुलाब जामुन। ठीक है, तो गुलाब जामुन का ये रेडी मिक्स अवेलेबल होता है इजीली यहाँ पे। MTR का ब्रांड है ये, नॉर्मली इंडिया पे भी यही मिलता है, एंड दूसरे वैरायटी भी, दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल है, बट दिस इज़ आई प्रेफर। एंड ज़्यादा कुछ मिला नहीं है इसको बनाने के लिए, सिंपल वे से मैं भी बनाता हूँ इसको। एंड दिस इज़ लाइक गुलाब जामुन इज़ वन ऑफ माई मैं फेवरेट स्वीट एंड डेजर्ट। तो जैसे इसको मिल्क से मैं इसको लाइक आटा जैसा गूंध ले रहा हूँ, एंड इसके बाद इसका गोला बना के प्रोसेस आगे आप वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। वेरी सिंपल एंड ऐसा इस वे पे परफेक्ट आता है मुझे मेरा गुलाब जामुन। लाइक ज़्यादा फटता नहीं है, एंड नॉर्मली लाइक सिरप अच्छे से सोक हो जाता है। तो डू ट्राई दिस इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक गुलाब जामुन।